कौन है दिवाली दे जो सियाल शरीफ दे लाड़े ने सूरह यूसुफ अली सलाम की तिलावत शुरू की। 5 मिनट सूरत यूसुफ अली सलाम पढ़ी ते 5 मिनटा दे बाद जुबान दे अंदर लुकनत आ गई। गादी इलम दीन पिया दस दे लजपाला एते जबर पढ़नी नहीं लजपाला एते जेर पढ़नी है। हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन सियालवी ने कुरान बंद किया ते बंद करके फरमाया इलम दीन तू ते पढ़िया ही नहीं मैनू गलतियां पिया दसना है। हाथ जोड़ के अर्ज की लजपाला तुसी फर्जी दे बह के किसे उस्ताद कोलो पढ़िया है। मैं इस जेल दी कोठड़ी च बह के मुस्तफा कोलो पढ़िया है। कौन है ते बानी दे गलामो जो जेल दे अंदर कोई बीमार हो जाना उना गादी साहब दे कोल आ जाना। फरमाया मैं हकीम नहीं मैं तबीब नहीं ओ जड़ा मार घड़े च पानी उठो पानी पी लो। गादी साहब दे घड़े चो पानी पीना बीमारा ने बाले हो जाना। एक दिन माँ भी मिला नहीं भैन भी मिलना गई जो माँ ने देखिया अखा चो यथरू आ गए ते गादी लमदीन मुस्कुरा दे आ रहे ते माँ नू फरमा दे ने अम्मा रो जो कियामत का दिन आवेगा तेरे अथरुआ का मुल पै जाएगा। जो सैयदा फातिमा इमामे हुसैन दे खून दे कपड़े लैके अल्लाह की बारगाह च जाएगी। जो असगर दे गले का तीर लैके जाएगी। जो अकबर दे सीने का तीर लैके अल्लाह की बारगाह च जाएगी। उस वेले सैयदा जारा दे कदम पकड़ के आखी अपने पुत्र लैके चलिए मेरा इलम दीन भी नाल रख लिया। 31 अक्टूबर नो बस बिकवो जो फरमो 31 अक्टूबर नो हजरत गाजी साहब नो तख्तेदार ते चाड़िया गया। तख्तेदार ते चाड़न तो बाद जदों लाहौर दे अंदर इस आशिक दा जनाजा निकलिया الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكن ادرن جو غم آزادكن در دین و دنیا شادكن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحال ما غریبا ہو خدا را یک نگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما من کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محترم بزرگوں دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
अज का यह पकीजा जुमातुल मुबारक का इज्तिमा जिस दे अंदर बंदे फकीर भी हाजिर है आप बाबी हाजिर हो। अज 28 अक्तूबर है, 31 अक्तूबर नो आशिक रसूल फना फिर रसूल जे पंजाबी चाखां ते इस्लाम दा हीरो हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्ला ताला ले आप दा उर्से पाके तो आज दे जुमातुल मुबारक दे इस इज्तिमा दे अंदर असी हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्ला ताला ले आप दी बारगाह दे अंदर ही नजराने अकीदत मोहब्बत पेश करांगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत करीमा तिलावत करने दा शरफ हासिल कीता। एक गल याद रखो, आशिक दा जिक्र ओ ही करदा है जिदे सीने च आप इश्क होवे, ते इश्क दुनियादार दा ना होवे, इश्क मदीने दे ताजदार दा होवे, ते फिर आशिक दा जिक्र होंदा है। खालिक कायनात ने फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मैं सिर्फ तर्जमे का सहारा लैके अपना मौजू शुरू करना है। फरमाया कि नबी मोमिना दी जाना तो करीब है, कितना करीब है। उलमा ते सूफिया फरमाते ने कि नबी मोमिना दी जाना दे इतना करीब है कि ईमान वालियां ते जदों कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख या परेशानी आवे, इंसान नू आप ईमान वाले नू खबर बाद च मिलदी है, मदीने वाले नू पहले आउंदी है। इतना नबी करीब है। हुण किदी किदी जान दे करीब है। अज उन्हां विचों इक आशिक दा जिक्र करना है। लाहौरियो तुहानू मुकदरा ते नाद करना चाहिए, अपने नसीबा ते फखर करना चाहिए कि हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी लाहौरी ने, मजार भी लाहौर दे अंदर। जल्लो मोड़ तो पसीन वाल जाइए तो रस्ते च कब्रस्तान आउंदा है। उस कब्रस्तान के अंदर एक कबर है जिसका नाम है बाबा लहना सिंह। बाबा लहना सिंह की कबर है उस कब्रस्तान के अंदर। हुण ये बाबा लहना सिंह है कौन? हिंदू मजहब का ताल्लुक रखता है, अजे कलमा नहीं पढ़िया। नबी पाक अलैहि सलाम दा गलियां ते बाजारां च फिरदियां तुरदियां हजूर का नामे नामी इसमें गिरामी सुनिया, दिल की दुनिया भी बदल गई, दलील भी बदल गई। ते बाबा लहना सिंह नूं ख्याल आया जिदा नां एडा सोहना है, नबी आप किड्डा कुछ सोहना होवेगा। बस हजूर दा नां सुनिया ते इश्क लग गया। ते जदों इश्क लग जाए ये भजन नहीं देंदा। ते इश्क करना दलेर बंदे दा काम होंदा है, बुजदर बंदा इश्क कर भी नहीं सकदा। ते जदों हजूर नाल इश्क होवे फिर इश्क पिछे मार पैंदी है। एक गल की तारीख गवाह है। तारीख उठा के वेखो जे इश्क दा दावा करे सुमैया वर्गा गुलाम ते टुकड़े कीते जान। जे इश्क दा दावा करे नबी दा यार बिलाल ते तत्तियां रेता ते लिटाया जावे, गर्म सीखा जिसम ते लाइया जान। जे इश्क दा दावा करे सुलेमान फारसी ते वडेरे गुलाम ते जुल्म कीते जान। जे इश्क दा दावा करे दिल्ली दे अंदर अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी ते काले पानी की सजा होवे। जे इश्क दा दावा करे हजरत गादी मुमताज हुसैन कादरी ते सूली चाढ़िया जावे। ते जे इश्क दा दावा करे व्हील चेयर ते बह के बाबा खादम रजवी ते मजूर बंदे नु मारा मारिया जान। पता लगा मार खान तो बगैर यार नहीं मिलदे। इश्क जिन्हें भी हजूर नाल कीता नु मार जरूर पैंदी है। बाबा लहना सिंह नु नबी पाक अलैहि सलाम दा नां सुनिया ते इश्क हो गया। ते मेरा बाबा जी खादम हुसैन रदवी फरमांदे होंदे सन, इश्क बड़ा दलेर हुंदा है ते इश्क अपने फैसले आप करदा है। जदों हुजूर नाल इश्क होया ते यारियां बदल गईयां, तौर बदल गई, उठना बैठना बदल गया। इसे वास्ते बूटा गुजराती कहंदा ऐन इश्क जिन्ना नूं लग जांदा सीन सुक जांदे वांग कानिया दे, कुछ सुक जांदे ते कुछ मुक जांदे
ते कुछ मार देंदे लोग नाल ताने आदे ते जदो इश्क फराक दी सट बजे घर उजड़ जांदे खान ताने आदे बदे इश्क दे बूटिया होए नहीं छोट दे कैदी छोट जांदे जेल खाने आदे बाबा लैणा सिंह ना इश्क हो गया चाल चलन तोर उठना बैठना सब कुछ बदल गया। एक दिन घर आए ना ते घर वाले कह लगे लैणा सिंह तेरी चाल उठना बैठना सारा कुछ बदल गया खैर ते है। अंदरों इश्क बोलिया कदों तक छुपाएगा इन्हां नूं दस मैं मदीने वाले दा गुलाम बन गया। बाबे लैणा सिंह कोलों पुछिया ते बाबा लैणा सिंह कहिंदा मैं मदीने वाले दा गुलाम बन गया। घर वाले धक्का मारिया यारा बेलियां कोल आया ते यार बेली भी कहन तू साडा कुछ नहीं लगदा अज कल भी भैड़ी राह ते लाण वाले यार वधेर लभदे चंगी राह दसण वाला यार टावा टावा लभदा है कोई कोई लभदा है बल्कि लभदा ही नहीं। अजकल जेड़ा बंदा भी किसी ने यारी ला लिया बस इस वजह तो ला रहा कि मैं इनू गलत रस्ते ते इस्तेमाल करा। इसे वास्ते बाबा कसूरमंद ते कहंदा यार यार ते हर कोई कही जांदा यार तोड़ किसे नल चढ़ दे नहीं मुल्ला बेच मसीत दे करन मसले ते कुफर दिलां दे विचों कढ़ दे नहीं जेकर कुत्ता बंदे नूं पै जावे बंदे पै जावन कुत्ते वट दे नहीं इसे गल दा हिरगे कसूर मंदा बंदा बह जावे बंदे छड़ दे नहीं बंदा नहीं छड़दा यारी भी ता लान के गलत रस्ते ते लाया जाए। बाबा लैणा सिंह नबी पाक अलैहि सलाम दा गुलाम बन गया यार बेली भी छड़ गए। कौन है दिवाली दे वलामो एक दिन बाबा लैणा सिंह घर आया घर वाले कह लगे लैणा सिंह खैर तेरी तोर बदल गई है तेरा बोलना बदल गया है चुप चुप रहना है। बाबा लैणा सिंह कह लगा सच्ची गल दसा तोर एवें नहीं बदली मैं मदीने वाले दा गुलाम बन गया। जदों इन्नी गल की घर वालिया ने धक्का मारे ते घर वाले कह लगे घरों निकल जा तू साडा कुछ नहीं लगदा असी तेरे कुछ नहीं लगदे जा चला जा मुसलमान हो गए साडे घर ना आवी। जदों घर वाले धक्का मारिया ते यारां दे कोल आया ते यार कह लगे असी तेरे यार नहीं तू साडा यार नहीं जा चला जा मुसलमान हो गए कौन है दे बादी दे गुलामो नबी दी गुलामी दे अंदर आया। घर वालिया भी छड़ दिते भैणा भरावा भी छड़ दिता रिश्तेदारा भी छड़ दिता यार बेली भी छड़ गए ते मदीने वाले चेहरा करके अर्ज की मदीने वाले सीने च तेरा इश्क आ गई मेरी मां भी नहीं बोलदी अर्ज की कमली वाले बाबा भी नहीं बोलदा सोने यारा बेलिया भी छड़ दिता है अदरो इश्क दी आवाज आई लैणा सिंह रोवी ना जिदा कोई भी ना बने ओदा यामीना दा लाल बनदा ओदा आमीना दा लाल बनदा। घर वालिया छड़ दिता भैणा भरावां छड़ दिता रिश्तेदार ते यार बेली भी छड़ गए हुण बाबा लैणा सिंह नूं बस मदीने वाले दा आसरा है। ते कौन है दिवाली दे रोंदे वाले चेहरा करके कहंदा खुले बूवे वेख के तेरे दवारे आ गए खुले बूवे वेख के तेरे दवारे आ गए सुन गमा दिया महरमा दर्दा दे मारे आसरा मदीने वाले दा
ਘਰ ਬਾਰ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸਲ ਚੱਲੀ, ਨਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਲਿਆ ਮੰਦ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਲਿਆ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਲਿਆ ਮੰਦ। ਤਾਲਿਆ ਮੰਦ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਵਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਲਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਹਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਤੂੰ ਔਂਤਰਾ ਨਖਤਰਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਔਲਾਦਾਂ ਬਾਜ ਬੜੇ ਮਿਹਨੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬੋ, ਬਾਬਾ ਤਾਲਿਆ ਮੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਤਾਲਿਆ ਮੰਦ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ, ਇਹ ਮੇਵਾ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਕਰ ਉਜ਼ਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤਾਲਿਆ ਮੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਆਏ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਾਲਿਆ ਮੰਦ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਰਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਰਲ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ? ਮੋ ਬਾਪ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਰਗਾ ਚ ਦੁਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਲਮ ਦੀਨ। ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਲਮ ਦੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਗੋਦੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ, ਹਾਤਿਮ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਖੋਬ ਲੈਣ ਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਇਹ ਰੋਲੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਦੀ? ਇਲਮੋ ਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੜਕਪਣ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 6 ਤੇ 5, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਦਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਦੀ ਇਲਮ ਦੀਨ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣੇ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲੇ, ਦਿਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੇ, ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
गाजी इलमदीन काम करना हाथ कार बल्ले ते दिल सरकार बल्ले इश्क हुन लगना शुरू होया ते इश्क लगा कितों गाजी इलमदीन फरमाते ने मेरे बड़े भाई की शादी होगी ते अल्लाह करीम ने पुत्र अता फरमाया ते ओदा नाम रखे शौकत अली की नाम रखे शौकत अली चंद महीने गुजरे ते शौकत अली फोत हो गया बड़े भाई का बेटा ते गाजी साहब फरमाते ओदा जनाजा पढ़ के जो गढ़ी शो के करीब आए ना ते सामने भी एक जनादा पिया होंदा है कौन है दिवाली दे गुलामो गादिल मोदीन ने जनादा वेखिया अपने बड़े भाई दे पुत्र दा जनादा पढ़ के वापिस आ रहे एक सामने जनादा पिया होंदा है इलमदीन जाके पुछदे जनादे च रोण वाले जिन्नी खलकत जनादे दे नाले सारे तारा मार मार के रोंदे ने गाजी इलमदीन जाके पुछिया रोण वाले वजह की है एक दा जनादा पे लेके जांदे हो इना क्यों पे रोंदे हो जनादे दे नाले जान वाले कहण लगे ए बड़ा बड़ा आशिक रसूले एदा नाम मौलवी ताजदीन ए नबी करीम दा आशिक ते गुलाम है अजे दा जनादा ते असी जनादे च पैरों में जदों गादी लमदीन ने इश्क दा नाम सुनया ते मदीने वाले चेहरा कर गया ते कीती मदीने वाले काश मैं भी ये जो मरा लोकी आखन आशिक दा जनादा पिया जांदा काश मेरा भी मरना ये दायो है लोकी आखने आशिक दा जनादा है ते मदीने वाले चेहरा करके नबी दा आशिक दा है सबले गुम्बद वाले मंजूर दुआ करना है सबले अच्छा भाई तवज्जो फरमाओ साडा टैगा किसे तो घट नहीं मैं रात कामों की खिताब कीता है गुजरा वाले कीता है सरगी वेले घर आया तो मैं चाहवा ते कारी साहब नु फोन करा जी जो मैं पढ़ाओ मैं थके हां मैं उना तुहाडा जोक वेखन लई आ मेरी अपनी दिन रात दी मसरूफियत है तो मैं सिर्फ तुहाडे जोक दा करके आउना ते जोक इने दा दया करो कि थकावट लै जाए जिन तुसी पढ़दे हो जिन असी पढ़िए सानू कोई ना सदे मेहरबानी फरमाओ हाथां दे झंडे बनाओ ते दुआ इन्हीं दी करो मदीने वाला कबूल कर लवे ते कौन है दिवाली दी बारगाह च अर्ज करो ये सबज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना है सबज गुंबद वक्त आए दीदार अदा करना जब वक्त चंगारी लग गई ख्याल आया मदीने वाले चेहरा कर गल की थी मदीने वाले काश मैं भी ये न मरा लोकी आखन आशिक दा जनाजा है इश्क दी पहली चंगारी अगे अगे इश्क पुख्ता होवेगा हजरत गादी मोदीन फरमाते ने सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी नमूसे रिसालत दे मौजू ते तकरीर पे करन ते गादी साहब फरमाते ने तो तकरीर सुनी ते दिल च ख्याल आया मर दे जाना है की होवे जे जवानी नबी दे नामे ला दईए ये जवानी हजूर के नामे लग जाए गाजी तुर ते उन्हें भी जाना है ते मेरा भी जदान है गाजी साहब भी कह दे उनके मिठा मिठा ए पानी जिंदला मदनी दे ना ए उंज भी ते जानी ए जिंदला मदनी दे ना ए उजवी दो
मंगा रही हैं। तीजी की तो लगी प्रमाद ने आ रेलवे स्टेशन दे काम पे कड़ी है जोहर की नमाज का वेला तो गादिल मोदी प्रमाद ने मस्जिद में नमाज पढ़ गया थे वडेरा दिया बाबा जरा टारा मार मार के मस्जिद बह के पे रो गए गादी साहब प्रमाद ने मैं लाहौरिया मेरे को बर्दाश्त आया मैं जाके पूछा बाबा दस क्यों रोना है गादी इल्म दीन बाबे दे करीब आ गए कौन है दीवानी दे गुलाम है आके बाबे नो पूछिया बाबा तेरा को पुत्र मर गया है बाबा तेरा को रिश्तेदार मर गया दासी एडे दर्द नाल क्यों रोना है बाबा कहदा पुत्रा मेरा पुत्र मर जांदा मैं एना ना रोंदा मेरा को रिश्तेदार मर जांदा मैं एना ना रोंदा ते गादी इल्म दीन पूछिया बाबा दस क्यों रोना है बाबा कहदा पुत्रा मैं ता रोना लाहौर दा राजपाल खत्री जिन्हें मेरे नबी दी गुस्ताखी की थी ते मैं रो के पिया कहना मदीने वाले कियामत नो मैनू ना पूछी मैं ते वडेरा हो गया जे जवान हुंदा मैं तेरे ना तो जवानी कुर्बान कर दा जे मेरा को पुत्र होंदा मैं तेरे ना ते कुर्बान कर देंदा मैं वडेरा हो गया मेरा पुत्र भी कोई नहीं गादी लमदी ने बाबे नो फड़ के सीने ला लिया फरमाया बाबा रो ना तेरा कम मैं कर देवांगा बाबे नो सीने ला के फरमाया बाबा तेरा कम मैं कर देवांगा आज दो चंद महीने गुजर लैन दे तेनू पता लग जाएगा एक तरखाना दा मुंडा नबी ते कुर्बान हो गया तवज्जो फरमाओ भी मैं गल मुकामा वक्त काफ़ी खासा बीत रहा अजय एक मसला भी एंड वो सवाल आया है उसकी वजाहत भी है अजी जाने ग्रामी कहते तवज्जो फरमाओ गादी इल्मो दीन शहीद फरमा दिन इश्क लग गया ना हूँ तीन चंगारियाँ इश्क दियाँ काम तो घर आए ना तो सामने वीर बैठा मुहम्मद दीन तो अपने भाई पुछते ने भाई जान जरा इन मारेगा राजपाल खत्री ओनू की लभेगा ते भाई कहन लगा जारी तौर ते फांसी लभेगी मौत लभेगी सजाए मौत होवेगी ते गादी इल्मो दीन मुस्कुरा के फरमांदे ने जसूली चढ़ के यार लभ जे होर की चाहिदा है वीर ना गल पई होवे एक दिन काम तो आके ना ते मां नूं कहन लगे मां जी खर्चा दियो मां कहन लगी पुत्रा तू ते कदी पैसे नहीं मंगे मां जी अज मंगे ने फिर दे दियो मां ने पैसे दिते दुकान ते जाके ना खंजर वाले नूं पुछदे ने आ खंजर किन्ने दई उहने जवानी वेखी ते सूरत वेख के कहन लगा तू की करना है ते गादी साहब फरमांदे ने तेनू की लगे तू ते पैसे लैने वो कहन लगा जेड़े तू ले आया थोड़े ने ते घर आके मां कोलो दोबारा पैसे ले ते जाके खंजर खरीदया खंजर खरीद के लपेट के रख लिया गादी इल्मो दीन फरमांदे रात नू बिस्तर ते लेटया ते ख्याल आया हुण मोर कित्थों लगदी है दिन चढ़िया ते फैज़े आलम दी बारगाह च आ दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह तआला ने गादी साहब दाता साहब दी बारगाह च आ गए कौन है दीवानी दे गुलामो दाता साहब दी बारगाह दे अंदर है आलम दी बारगाह च आके हाथ जोड़ ले ते रो के अर्ज कीती लजपाला नजी पुत्रा फैन सैयद अर्ज कीती लजपाला तेरा नाना भी सखी है तेरा बाबा भी सखी है सखियां दी औलाद अली अजवेरी मैं जर नहीं मंगन आया आज मैं इथो माल ते दौलत नहीं मंगन आया मैं कोठियां ते कारा नहीं मंगन आया नबी दा गुस्ताख मारने मदीने वाले दी मोर लवान आया जो गादी इल्म दीन ने रो के दुआ की थी ते गादी साहब फरमांदे मैनू इंज लगा जिवें मेरे सीने ते किसे ने हाथ रखिया बाद इल्म दीन खैरी खैरी जा मदीने वाले कबूल कर लिया वाले कबूल कर लिया कई आंदे ए एन करके सुतम चुकी होंदी आखे इल्मो दीन साडा है मैं कह जे ताडा ते दाता साहब की लैन गया तुहानू ते मौत पैंदी है
फैज़ आलम का नाम सुन के इल्मुद्दीन कल भी सुनी आता सी इल्मुद्दीन आज भी सुनी आता है। आखे जी नमूसे रिसालत ते जदों भी कोई कुर्बानी दीती सुनिया ही दीती है ते मैं क्या कदे हराम जानवर की कुर्बानी जायज है? हराम जानवर की कुर्बानी ते है ही नहीं, कुर्बानी तो होंदी है हलाल जानवर की। ते जे सुनिया कुर्बानी दीती है सुनी हलाल जादे ने इन्हां नूं पता नबी पाक दे सलाम दी इज्जत दे पैरे केड़े दई देना है। अब पिछले दिनों च हरिपुर दे अंदर ईद मिलादुन नबी दा जुलूस निकलिया ते एक बदबخت बंदे ने उन्हां ते शहीदिंग करवा के चार नौजवानों नूं शहीद करवाया। ओ ते निकले सन हुजूर दी इज्जत लई, उन्हां ते ते बरसाईयां गोलियां ते मैं कहा जालिमा अज ते जुमा भी नहीं पड़िया। 11 बजे आना मैं लॉन्ग मार्च लैके निकलना है, जेड़े नबी पाक दी इज्जत ते निकलन उन्हां ते बरसावे गोलियां ते तेरी इज्जत तैनूं इन्नी प्यारी है अपनी इज्जत वास्ते लॉन्ग मार्च लैके पे निकलना है। ये हुण लॉन्ग मार्च कड्डो है, डुब के मरना चाहिए उस प्यो नूं जिहड़ा धी लैके जांदा है, डुब के मर जाए शोहर जिहड़ा अपनी औरत लैके जांदा है। ये इमरान खान दे जलसे दे धीआं पैणा लैके जाणा लियो, पहले जाके उन्हूं पुछो अपनी धी लैके आ, पहले अपनी मां लैके आवे, पहले अपनी बीवी लिया के नचावे जिवें मुसलमानां दीआं धीआं नचाउंदा है, इंज लिया के अपनी बीवी नचावे, लिया के अपनी बेटी नचावे, फिर पता लगे आजादी की जंग पिया लड़दा है। शर्म नहीं आउंदी इस जालम बेईमान दे पिछे ले जाके धीआं नचाउण वाले हो, मावां ते बेटियां नचाउण वाले हो, डुब के मरना चाहिए। अज वक्त दे हजूर दे गुलामां नाल खलो जाओ, अज वक्त नबी पाक अलैहि सलाम दी इज्जत दे पहरेदारां नाल खलो जाओ। वो जुमला बड़ा ही आला है जिहड़ा शेर दे पुत्र ने आखिया है, मेरा कायद हाफिज साद हुसैन रदवी कह गया नचण वालियां दे पुत्र आजादी दी जंग नहीं लड़ सकदे, नचण वालियां दे पुत्रां दा काम ही नहीं आजादी दी जंग लड़न। अज लॉन्ग मार्च जा रही है, ये नमूसे रिसालत दी नहीं, ये इमरान खान दी इज्जत दी है, ये बगैरती दी लॉन्ग मार्च है। ओ कादी आजादी है जिथे मुसलमानां दीआं धीआं नचदियां होन, खुदारा डुब के मरना चाहिए उन्होंने जेड़े धीआं पैणा लैके हाजिर हो जाते हैं। होश दे नाखून लो, दिन क्यामत आना उत्थे मैदान लगना है, हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन, उत्थे लग पता नहीं जाना। जिन्होंने हरिपुर के अंदर शहीद किया गया उन्होंने सीना तान के आखना कमली वाले तेरे नाँ ते गोलियां खा के आए हाँ, ते जड़ा हजूर के नाँ ते मरे मदीने वाला तनहा नहीं छड़दा, कौन एंदे वाली सीने ला लैन दे। गादी साहब नूं इश्क लग गया, लो जी गल मुकामा खंजर खरीदिया, दादा साहब मोर भी लवा ली, हुण मारन जाना है। गादी साहब ने मारन वास्ते जाना है ते कन्ना च बूंदे पा ले ताकि मैनू सियाने कोई ना, मैनू पहचाने कोई ना, कई कई वेश वटाए यार तेरे मिलने ले। अदी दाने ग्रामी कदर मैं आज ही मुका देवा, चूंकि अगले जुम्मे हजरत गौसे पाक का मौजू बयान करांगे। गादी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला ले आपनु खंजर ले लिया ते जाके राजपाल खत्री नु मारिया, जेल आ गए। किन्ने खंजर मारे? मैं क्या उदो तक गादी मारदा रहा जदों तक मदीने वाले ने मदीने आके शाबाश नहीं दे दी। पकड़े गए, मियां वाली दी जेल च लै गए। लो भी गल मुकामा हजरत जियाउद्दीन सियालवी सियाल शरीफ दा लाड़ा, हजरत गादी इल्मुद्दीन शहीद नूं मिलन आए ना ते सामने बह के फरमांदे ने गादी तू भी कैदी है ते यूसुफ अलैहि सलाम भी कैदी सन, मैं तेनूं सूरत यूसुफ अलैहि सलाम ना सुनावां? ते गादी साहब फरमांदे ने सुनाओ जी। कौन है दीवानी दे गुलामो जदों सियाल शरीफ दे लाड़े ने सूरह यूसुफ अलैहि सलाम दी तिलावत शुरू की थी, 5 मिनट सूरत यूसुफ अलैहि सलाम पढ़ी ते 5 मिनटां दे बाद जुबान दे अंदर लुकनत आ गई। गादी इल्मुद्दीन पिया दस दे लजपाला इत्थे ज़बर पढ़नी नहीं, लजपाला इत्थे ज़ेर पढ़नी है। हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी ने कुरान बंद किया ते बंद करके फरमाया इल्मुद्दीन तू ते पढ़िया ही नहीं, मैनू गलतियां पिया दसना है। हाथ जोड़ के अर्ज की लजपाला तुसी फटी दे बह के किसे उस्ताद कोलो पढ़िया है, मैं इस जेल दी कोठड़ी च बह के मुस्तफा कोलो पढ़िया है। कौन है दे बानी दे गलामों जी तो जेल दे अंदर कोई
कोई बीमार हो जाना उना गादी साहब दे कोले आ जाना। फरमाया मैं हकीम नहीं मैं तबीब नहीं, ओ जड़ा मार घड़े च पानी उठो पानी पी लो, गादी साहब दे घड़े चो पानी पीना बीमारा ने वाले हो जाना। एक दिन मां भी मिला नहीं भैन भी मिलना गई, जो मां ने देखिया अखा चो अथरू आ गए, ते गादी नमदीन मुस्कुरा दे आ रहे, ते मां नु फरमा दे ने अम्मा रो ना, जो कियामत दा दिन आवेगा तेरे अथरुआ दा मुल पै जाएगा। जो सैयदा फातिमा इमामे हुसैन दे खून दे कपड़े लेके अल्लाह दी बारगह च जाएगी, जो असगर दे गले दा तीर लेके जाएगी, जो अकबर दे सीने दा तीर लेके अल्लाह दी बारगह च जाएगी। उस वेले सैयदा जारा दे कदम पकड़ के आखी अपने पुत्र लेके चलिए, मेरा इलम दीन भी नाल रख लिया। बड़े बड़े गदियां दे पीर जनादे च जा रहे, बड़े बड़े सैयदजादे जा रहे, जदों गादी साहब दा जनादा लेके जा रहे ते कईयां दियां पग्गां लथ के पईयां डिगन, ते पग्गां चुक के सैयद सिर ते रखन वाह तरखाना दे पुत्रा गुस्ताखी साडे नाने दी होई सी, बदले असा लैने सन तू तरखाना दा पुत्र हो के बाजी लै गए हैं। ते आ 31 अक्टूबर नु गादी साहब दा उरस आ रहा है, आपन अपने घर दे अंदर मुख्तसर दिया लंगर बना के आशिके रसूल दे वास्ते इसाले सवाब करो, माफल सजाओ, गादी साहब दे मजार ते जाओ, जिदा कोई काम किधरे ना होवे एहो जे आशिक दा वसीला बना के दुआ मंगो, अरशां दा खुदा मेहरबानियां करदा है। लो भाई मसला जड़ा पेश आया, सवाल ये वे बच्चा पैदा होवे ते केड़ी हालत है कि बच्चे दा जनादा पढ़िया जाए, केड़ी कैफियत होवे, केड़ी हालत होवे कि बच्चा जनादे दे लायक है। ए फिका दियां इब्तिदाई किताबां दे अंदर मसला है, बच्चे दी पैदाइश होवे पांव वाला हिस्सा बाहर आए, पैदाइश दे वक्त अजे पांव बाहर आन ते बच्चा फोत हो जाए फिर जनाजा नहीं। अगर सर वाला हिस्सा बच्चे दा बाहर आए तो सीने तक बच्चा पैदा हो जाए, बाकी अद्धा बच्चा दे पैदा होने वाला होवे, सर बाहर आ गया सीने तक बच्चा बाहर है, बच्चे ने सांस ले लिया, ते शरीयत कहंदी है उहदा जनाजा भी है, उहदा नाम भी है, उहदा कफन दफन भी है, उन मुसलमाना वाले कब्रस्तान च दफन किया जाए। एक बात, दूसरी बात ये भी मिशकातुल मसाबी के अंदर हदीसे पाके नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया हर बच्चा फितरत इस्लाम से पैदा होता है, फितरत इशरी मसला है जेड़ा मैं वजाहत भी करना, साढ़े घर का माहौल बन गया है ना, पिछले दिन के अंदर मैनु कॉल आई है कि बच्चा पैदा होया जेड़ा तकरीबन 4 to 5 मिनट जिंदा रहा है, ते घर वाले जनाजा भी नहीं पढ़िया, उन्हें कफन दे के कब्रस्तान च दफन भी नहीं किया, बाहर जाके कि दफन करके आए। तो मैं जेड़े नतीजे तक पहुंचे हाँ वह नतीजा है कि अजकल दुनिया महंगाई तो डरदे खरेंद करी आँदी है कि जे जनाजा पढ़ा कुल कराने पैणगे, कुल करावे 7-8 दसवां 40 कराना पवेगा, पैसे लग जाएंगे। ना भाई ना, मेरे नबी पाक अलैहि सलाम की शरीयत ना बगावत नहीं करनी, अगर हजूर के गुलाम हो ते गुलामी इंजी है, काम वो करो जड़ा मदीने वाले ने दसिया है। वो बच्चे नू मुसलमाना दे कब्रस्तान च दफन किया जाए, जिस बच्चे नू एक घड़ी भी उम्र लग गई है, एक सैकंड भी उम्र लग गई है, एक साह भी ले लिया है, उहदा जनाजा भी है, उहदा कफन दफन भी है, उहदा नाम भी रखा जाएगा। यह मसला याद रखो, अपने घर का माहौल वह बनाओ जरा मुस्तफा करीम अली सलाम ने अता किया है। एक ही होया कि 5-7 मिनट बच्चा जिंदा रहा तो मुसलमाना का नाम भी ना दिता जाए, कब्रस्तान से दफन भी ना किया जाए, तो एवं कफन पवा के नप के आ जाओ चलो जी ठीक है। ना भाई ना, एक कियामत को पुछ होगी, पुछो उलामा को मुफ्तियां को जाके फतवा लो कि एदा की हुक्म है, मुस्तफा की शरीयत ना बगावत नहीं करनी। ये मसला याद रखो,
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਭੂਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਉਮਰ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਮਰ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਮਰ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਫਾ ਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਥੜੇ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਉਮਰ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉਮਰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਫੀਉ ਵ ਮੁਸ਼ਫਾ ਇਹ ਸ਼ਿਫਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬੋ ਉਲਾਮਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਇਮਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਲਾਮਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਬਸਤਾ ਰਹੋਗੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਉਮਰ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਮਰ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਦਰ ਹੁਸੈਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬੱਚਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਖੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਸਲ ਦਿਓ, ਕਫਨ ਦਿਓ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਬਦੇ ਮੁਸਤਫਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਬਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਦਫਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਰਾਤੀ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਤਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਤਮਾ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ 28 ਅਕਤੂਬਰ